अभी ऑन ड्यूटी एक आदमी खत्म होता है, कंपनी उसके लिए बोलती है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई आर्थिक सहायता नहीं दीजिए, कोई 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 बात, कोई रीजन, कोई रीजन ही नहीं बनता है सर। अब 2-3 साल के लिए उनके घर वालों को मुआवजा दे देंगे, ये कोई बात खुद नहीं हुई सर। गवर्नमेंट से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ के पूरे प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे इस वर्कर के साथ में जो है न्याय होना चाहिए, और हमारे जितने भी भाई यहाँ पर काम करते हैं, इस कंपनी को आदेश दें कि इनका सबका इंश्योरेंस कराए, और जो भी पॉलिसी यहाँ पे सरकार के तहत चलती है उसके तहत जो है इस पर हमारे वर्कर को मुआवजा मिलना चाहिए सर। 20 पहले तो ज़्यादा ही नहीं तो 20 लाख तो बनता ही बनता है सर। नौकरी, उसका नौकरी का क्या करेंगे, आपके उनके बच्चे के लिए खाने के लिए पैसे चाहिए, पहले आर्थिक सहायता, सबसे पहले 20 लाख रुपये चाहिए, ठीक है सर। नौकरी तो, नौकरी भी बाद में चाहिए तो वो भी नौकरी भी दे। ऐसी बात मैंने हमारे HR वालों के या किसी एडमिन वालों के मुझे सुना नहीं कि तुम्हारा पॉलिसी नहीं है। हम लोग इतना रिस्क में काम करते हैं टनल के अंदर, और सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हर चीज़ का इंश्योरेंस कंपनी करती है। पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि जब उनकी फैमिली ने उनके मुंह पे कह दिया कि कहा कि ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि हम आपको पैसे दे सकते, आप अपना PF लो और जो उनका सैलरी बनता है वो लेके चले जाओ। यहाँ को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए, यहाँ पे कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस के, ये कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो, मैं तो बोलता हूँ ऐसी चोर कंपनी को। उत्तराखंड में चल रही महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पूरा ये रेलवे परियोजना का कार्य होना है, जिसके तहत अलग अलग जगहों पर टनल निर्माण का कार्य चल रहा है, रेलवे स्टेशन के निर्माण का कार्य चल रहा है, और इसी के साथ यहाँ विभिन्न जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ रेलवे परियोजना में कार्य करने वालों में कई ऐसे भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या अभी भी मानवता जिंदा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पे सीटू के कुछ ये जो कर्मचारी हैं, मजदूर संगठन के कर्मचारी हैं, सारे एकजुट हुए। कारण जानेंगे क्या है इनके एकजुट होने का कारण, और क्या चीज़ इनकी डिमांड है, किस चीज़ की ये मांग कर रहे हैं ये भी जानेंगे। सर नाम बता दीजिएगा। चरण सिंह पवार जी, क्या मांग है, क्यों यहाँ पे ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आप सबको एक साथ यहाँ पे बैठना पड़ रहा है और अपने लिए मांग करनी पड़ रही है? सर हम सबसे पहले ये हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम लोग सब मिलके वर्कर काम करते हैं कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी है, रेलवे का सेंट्रल गवर्नमेंट का काम चल रहा है। तो अभी ऑन ड्यूटी एक आदमी ख़त्म होता है, कंपनी उसके लिए बोलती है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई आर्थिक सहायता नहीं दीजिए, कोई 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 बात, कोई रीज़न, कोई रीज़न ही नहीं बनता है सर। अब 2-3 साल के लिए उनके घर वालों को मुआवजा दे देंगे, ये कोई बात खुद नहीं हुई सर। उनके बीवी पर अभी उनको जो अभी जो हाल टाइम पे उनके देखो क्या दशा होती है, मानो मैं दूसरे के लिए नहीं बोलूँ, मेरे घर पे जो मैं ख़त्म हुआ होता ना सर, तो मेरे घर वालों पर क्या बीतती है, मेरे बच्चों पर, छोटे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा जो भी होंगे उनके, मेरे पूरा परिवार पर कैसी आपदा आई होती। हम लोग मिलेंगे उनके लिए, लड़ेंगे सर उनको, कम से कम पहले तो मैं इतना जानता सर, 20 पहले तो ज़्यादा ही नहीं तो 20 लाख तो बनता ही बनता है सर। नौकरी, उसका नौकरी का क्या करेंगे, आपके उनके बच्चे के लिए खाने के लिए पैसे चाहिए, पहले आर्थिक सहायता, सबसे पहले 20 लाख रुपये चाहिए, ठीक है सर। नौकरी तो, नौकरी भी बाद में चाहिए तो वो भी नौकरी भी देना चाहिए कंपनी को। PF का क्या करना सर, वो तो बात की है सर, आपका आदमी ख़त्म हो गया सर, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर, इंसानियत के लिए हमसे जितना हो सका हम लड़ेंगे, जितना जो कोई भी क्या बोलते हैं यहाँ के जितने भी वर्कर हैं जिनमें मर्यादा होगी, इंसानियत होगी, वो उसके लिए हक के लिए लड़ेगा, उनके लिए मैं तो बोल रहा लड़ूंगा। हमने क्योंकि विदेशों में भी काम किया सर, बिना बोले ही कंपनी सब कुछ दे देती है, ये तो इंडिया है जो लोकतंत्र बना है, किस लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का काम चल रहा है, वहाँ विदेशों में कोई नहीं पूछता, जबकि वहाँ की इतने बढ़िया सिस्टम है कंपनियों के, वहाँ के शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिस, यहाँ की लोकल पुलिस पे, यहाँ की गवर्नमेंट पे। यहाँ को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए, यहाँ पे कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस के, ये कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो, मैं तो बोलता हूँ ऐसी चोर कंपनी को। मैं खत्म हुआ होता, मैं ज़्यादा नहीं बोल, इंसानियत के नाते मेरे बीवी बच्चों के लिए क्या चाहिए था, अभी नौकरी चाहिए या उनके लिए खाने के लिए पैसा चाहिए या रोटी पानी के लिए, ये कोई बात नहीं सर। कंपनी को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए, और जो वर्कर, वो वर्कर का मतलब क्या बोलते हैं सर कि बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी जो उनका सपोर्ट नहीं करेगा, और सबको सपोर्ट करना चाहिए उनके साथ।
नाम बता दीजिएगा। सही बात इस कंपनी में जो है पहली बार कार्य कर रही है, इसके अलावा और भी कंपनियों में इस तरीके की कार्य कर चुके सर? पहले भी मैं मेका फेरी में काम कर चुका हूँ, तो मैंने हमने लामबगड़ का प्रोजेक्ट भी तैयार किया है, पर हमने कहीं भी पीएम और ऐसे देखे कि वहाँ हेल्प करते थे, पर ये पहली कंपनी देखी सर। यहाँ पे एचआर प्रबंधन ऐसा है, एक आदमी हमारा कंपनी का खत्म हो रखा है, वो आके कम से कम देखो लास्ट वहाँ पे घाट पे सड़ लिया उसको, एक उसका फैमिली यहाँ पे ऑन ड्यूटी में था, वो आके उसको छोड़ो सांत्वना मुआवजा तो छोड़ो सांत्वना तक देने को तैयार नहीं है आदमी। वो डराने मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर जो हम बताने बयां नहीं कर सकते। अभी इतने लोग काम छोड़ के हम लोग नाइट ड्यूटी करके हम लोग भी आके खड़े हुए हैं। हमारा एक साथी गुजर गया सर कार्य करते हुए, तो ये मानवता इंसानियत कंपनी की बनती थी कि उनको आर्थिक मुआवजा जो सरकार की तरफ से मिलता है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है नॉर्मल से बंदे के लिए, वो मिलना चाहिए, तो प्रॉपर मिलना चाहिए। अच्छा, कंपनी का नाम बता दीजिए। ऋतिक प्रोजेक्ट है सर। ऋतिक, और ये कहाँ पे जो है जो आपके साथी थे उनकी डेथ हुई, कौन से साइट पे? ये सर एडिट 6 साइट थी, पैकेज 6 का, ऋतिक प्रोजेक्ट कंपनी का RBNL का पैकेज 6 है ये। यहाँ पे एडिट 6 करके साइट है, वहाँ पे लगभग आज से परसों के बाद उनको लगभग चक्कर आया टनल के अंदर, इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा। टनल कहाँ बननी थी? ये टनल एडिट 6 ने बननी थी। एडिट 6 हाँ स्विच के हाँ ऑन ड्यूटी में हुए थे सर, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया अचानक ही। बिल्कुल, ये स्वीत वही टनल है जहाँ से लगातार स्वीत गांव के ग्रामीण भी मानुकों के ऊपर ब्लास्टिंग की शिकायतें भी करते थे, जिससे गांव में दरारें भी पड़ चुकी हैं। ऐसी शिकायतें भी लगातार परियोजना और कार्यदायी जो कंपनी है उसके खिलाफ आई है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मानवता के नाते किस तरीके से देखते हैं कि एक व्यक्ति के ऑन ड्यूटी मौत हो जाती है और उसके बाद उसके शरीर को जो है वो भी बिना पोस्टमार्टम किए अंतिम संस्कार के लिए वो घाट पर ले जाया जाए? जी सर, मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं भी एक ऑपरेटर हूँ। अभी हम जो आज ये घटना घटी है, ये हमारा एक साथी है जो ड्यूटी के दौरान इसको थोड़ी सी कुछ चक्कर आया, प्रॉब्लम हुई, उसके बाद इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ पर इसको ट्रीटमेंट के बाद जब मृत घोषित कर दिया गया। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं इसी के लिए कि कंपनी इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, कि हम इसका कोई जो है मदद करें या इसके परिवार के लिए इसका क्या बच्चों को जो है क्या इंश्योरेंस इसका होता है या जो भी इसको पैसा मिलना चाहिए। कंपनी बिल्कुल इसके लिए जो है नकारात्मक इसके रवैये से जो है सब परेशान है, और आज हम इकट्ठा हुए हैं। उसने साफ कर बोल दिया, जो है यहाँ का जो HR डिपार्टमेंट है उसने सीधा बोल दिया कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो हम इसकी कोई मदद करें। तो हम ये जानना चाहते हैं कंपनी से या उसके HR डिपार्टमेंट से, आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट से भी, कि हम इतना डेंजर काम कर रहे हैं, टनल का काम कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या पॉलिसी है यहाँ पे? अगर हमारी कल के दिन हमें कुछ हो जाता है, हमारे घर वालों को तो ये डेड बॉडी भी नहीं देंगे या पहुँचाएंगे नहीं, हमारा यही पता नहीं है अभी तक हम काम किस में कर रहे हैं। ऋत्विक का नाम, ऋत्विक हमको भर्ती कर रही है, ऋत्विक हमको पैसा दे रही है, ऋत्विक की हम मशीन चला रहे हैं, लेकिन हमको डाला गया है ठेकेदार के नाम पर, उसको हम देखा भी नहीं है आज तक, वो ठेकेदार है कौन? और सुनने में आ रहा है कि जो ये ठेकेदार है सिवा कंस्ट्रक्शन करके ये सारे घोटाले हो रहे हैं इसमें, पीएफ का अभी ये मालूम नहीं है कि वो पीएफ एक तरफा से जमा हो रहा है, हमारा पैसा काट लिया जा रहा है, कि वहाँ डबल होना चाहिए। जैसे जितना अगर 2000 मेरा कटता है, 1800 मेरा कटता है, तो 1800 कंपनी का कटना चाहिए। हमें यही मालूम नहीं है अभी कि वो हमारा काट रहे हैं, अपनी तरफ से जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरे नंबर यह है कि ठेकेदार को हमने आज तक देखा नहीं है, ये ठेकेदार नाम के लिए ये लोग अपना बचाव के लिए बनाया हुआ है, कंपनी ये अपनी पॉलिसी अपनाती है, लेकिन हम अपने बचाव के लिए आज ये हक के लड़ाई लड़ रहे हैं। एक वर्कर हमारा साथी आज इस दुनिया से चला गया, उसके लिए जब हमें इतना झेलना पड़ रहा है, उसके वर्कर बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं सुबह से, उनसे कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है या ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसको मुआवजा क्या मिलेगा। हर कंपनी में एक पॉलिसी होती है, ग्रुप एक इंश्योरेंस होता है, ये लोग कुछ नहीं कराए हैं, ये लोग जो है हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं देंगे। बताइए ऐसा होता है क्या कहीं कंपनी में? हम यहाँ की गवर्नमेंट से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ के पूरे प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे इस वर्कर के साथ में जो है न्याय होना चाहिए, और हमारे जितने भी भाई यहाँ पर काम करते हैं इस कंपनी को आदेश दें कि इनका सबका इंश्योरेंस कराए, और जो भी पॉलिसी यहाँ पर सरकार के तहत चलती हैं उसके तहत जो है इसमें हमारे वर्कर को मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, मजे की बात यह है कि जो सेवा कंस्ट्रक्शन है,
और जो ऋतिक है कार्यदायी संस्था, इन दोनों के जो है कॉम्बिनेशन में ये पूरा काम हो रहा है। और जब कुछ इस तरीके की कैजुअल्टी होती है तो एक कंपनी दूसरे के ऊपर थोप देती है कि हाँ इसका इंश्योरेंस ये करेगी और वो अपना पाला उधर फेंक देती है। मतलब मजदूरों को बिल्कुल फुटबॉल की तरह यहाँ पे बनाया जाता है और इसमें एक गरीब मजदूर पिस कर रह जाता है और जो उसके हक की चीज़ें हैं वो उसको मिल नहीं पाती है। सर आप टनल में ही काम करते हैं? टनल में काम करते हैं तो वहाँ पे जब टनल के अंदर कार्य करते हैं तो उसके कुछ मानक होते हैं, उनके तहत ही कार्य करना होता है। और कुछ वहाँ पे जब ब्लास्टिंग होती है तो कुछ गैसें भी ऐसी होती है जो एक आदमी के लिए खतरनाक साबित होती है, तो उसमें क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने होते हैं और क्या कुछ वो एहतियात कंपनी की ओर से आपको दिए जा रहे हैं सेफ्टी के लिए? हाँ सर, सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं, मास्क वगैरह दिए जाते हैं और हेलमेट वगैरह जो हमें पहने जैसे लाइट चलेगी तो गाड़ी आएगी, जैसे लाइट से हमें ये बैठने को चाहिए। तबीयत वबीयत भी ख़राब होने की बातें सामने आ रही है कि बहुत से जो है मजदूर है जो काम करने वाले हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है और भी चीज़ें हो रही है? हाँ सर, प्लास्टिक होती है तो जैसे हम जाते हैं उस समय कि आए वो गैस है ना, तो गैस सर हमारे अंदर जाती है तो उससे दिक्कत होती है, पेट में प्रॉब्लम जैसे सर दर्द हो गया वैसे। तो इसके लिए कंपनी द्वारा कोई मेडिकल इंश्योरेंस या फिर ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था की गई है? सर मेडिकल से ऐसी बात है कि यहाँ पे जो कंपनी ने डॉक्टर रखे हो, डॉक्टर तो फिलहाल तो हो रहे रहते हैं ऑफिस में, साइड में डॉक्टर नहीं आता वो, बल्कि उनको फ़ोन करो तब डॉक्टर आएंगे, हालांकि ऐसे डॉक्टर नहीं आएंगे। जब उनको बताया जाएगा कि हमारी तबीयत खराब है तब वो आएंगे, तब हमें ये कहेंगे कि आप ऑफिस में आएंगे बल्कि नीचे नहीं आएंगे। ऐसा होना चाहिए कि कंपनी को साइड में, यानी कि जहाँ पर हमारा टनल है वहाँ पर डॉक्टर को रहना चाहिए कि आदमी को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है, उनको पूछना चाहिए, देखना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। बताइए तो इस तरीके के हालात है कि जब इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है और करोड़ों अरबों की परियोजना चल रही है और जहां पे ऐसी परियोजनाओं में डॉक्टर के एक एम्बुलेंस का जो है साइट पर होना जो है जरूरी है, ऐसे में भी डॉक्टर तब आते हैं जब उन्हें सूचना दी जाती है कि यहां पे मजदूर की तबीयत खराब हो गई है, किसी कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई है, तब वो मौके पर पहुंचता है। और मौके पर भी वो मौके पर नहीं पहुंचता, वो नीचे दफ्तर में बैठा रहता है, वहाँ से जो तबीयत खराब जिस मजदूर की हुई है उसे उस दफ्तर में पहुंचना पड़ता है, तब जाके उसका कोई प्राथमिक उपचार होता है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक हमारे साथ है जो जिनकी कंपनी के लोगों से भी वार्ता हुई, तो बताएंगे क्या कुछ कर सर जो ये आपके साथ जो मौत हुई है उस वक्त कंपनी वालों से आपने बात की होगी, क्या कुछ कहा होगी? बात तो हम लोगों ने भी की है, बाकी हमने हमारे जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उन लोगों से भी की है, सब ने बात की है। पर मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि अभी मेरे को भी 25 साल करीबन प्रोजेक्ट में हो गया काम करते हुए, ऐसी बात मैंने हमारे एचआर वालों के या किसी एडमिन वालों के मुँह से सुना नहीं कि तुम्हारा पॉलिसी नहीं है। हम लोग इतना रिस्क में काम करते हैं टनल के अंदर और सेंटर का प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि जब उनकी फैमिली को उनके मुंह पे कह दिया कि कहा कि ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि हम आपको पैसे दे सकते, आप अपना पीएफ लो और जो उनका सैलरी बनता है वो लेके चले जाओ। तो मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एचआर वालों से, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है और जो रूल अब कंपनी का क्या है, मगर इतना तो मैं जानता हूँ कि पॉलिसी सबकी है, इंश्योरेंस सबकी करती है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको इंसाफ मिले। तो इतना ही मिलता बिल्कुल इंसाफ की मांग यहाँ पे जो है सारे जो सीटों के मेंबर्स हैं जो ये यहाँ पर मजदूर है सब यही मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले और जो है इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस जब उनकी नियुक्ति वहाँ पर हुई थी तो जो इंश्योरेंस उन्होंने उनका करवाया गया था उसके तहत उन्हें मुआवजा मिले और साथ ही जो परिवार के एक सदस्य है उसको नौकरी भी मिले। क्योंकि आपको थोड़ा सा आपके संज्ञान में ला दूँ कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसके दो छोटे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है और अब अपने पीछे तीन लोगों को वो पीछे छोड़कर चले गए, तो ऐसे में सोचना वाकई है कि अब उनका ख्याल कौन रखेगा, कौन उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेगा। ऐसे में कंपनी को आगे आना चाहिए। और दूसरी बात, कंपनी जब यहाँ पे कहती है कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे जब तक यहाँ पे ये परियोजना का कार्य चल रहा है, तब तक एक आदमी को एक व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं लेकिन इंश्योरेंस नहीं।